हमारे साथ नरपत जी हैं, इनकी वाइफ श्रीमती बबली के नाम से एक प्लॉट अलॉट हुआ था मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के अंदर, लेकिन उसका आज तक भी इनको पजेशन नहीं मिला है। जब ये पजेशन लेने के लिए जाते हैं तो इनको डराया धमकाया जाता है और कहीं ना कहीं इनको ये विवश किया जाता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपके साथ कुछ ना कुछ अशोभनीय कर दिया जाएगा। मैं जानकारी लेना चाहूँगा इनसे और पूछना चाहूँगा पूरी बात कि क्या है पूरा मुद्दा सर। कब आपने अलॉट किया था, कब आपको इस सरकारी पद मिला था? ये 21/7/2018 को किया गया था जी। हमें यहाँ से ये लेटर मिल गया। लेटर मिलने के बाद में हम आज गए थे जी। वो जो चाबी बांट रहे, चाबी वाले कहते तुम्हारा कैंसिल नाम क्या है उसका, उन चौहान साहब हैं, उन्होंने जो चाबी घर की चाबी देते हैं। अच्छा, नो तुम्हारा कैंसिल हो चुका, हमारे मकान में एमपी के लोग रह रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मारने की धमकी दी हमें। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की है? पुलिस कंप्लेंट नहीं की हमने, कुछ नहीं कहा। वो चाबी वाले ने उन्होंने बोला हमारी कार्रवाई हम खुद करेंगे। अब उनके पास हम गए, वो नु कहते हैं तुम्हारा कैंसिल जो पहले से रहते आ रहे हैं वो रहेंगे। ऐसे कैसे कह रही हूँ जब आपके पास पेपर है? साथियों मैं दिखा दूँ, इनके पास पजेशन लेटर है पूरा इनकी वाइफ के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद शायद कुछ षड्यंत्र है, हो सकता है इनके मकान को नाजायज तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही हो या फिर पैसा लेकर खा भी गए हों। मैं अपने SSP साहब से गुहार करूंगा समता आवाज़ TV चैनल के माध्यम से कि इनकी एक FIR दर्ज की जाए और जो 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 कर्मचारी हैं इसके अंदर संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं इस गरीब का हक इसको दिया जाए। मेरी घरवाली विकलांग है और मैं चार बच्चे भी है मेरे पे और मैं कहाँ तक भागूंगा। कोई बात मेरे बस की नहीं है, जहाँ भागना। आप अपना मोबाइल नंबर मैडम को दे दीजिएगा, इसकी एक कॉपी।